ओके ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवित्तवरं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे प्रभुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इन 3 दिन प्रवचनों में कल हम लोगों ने भगवान श्री राम का अवतार के कारण कहानियां आगे देखा था। तो अवतार माने जन्म होना, तो जन्म की जो कथा है और भगवान राम के नामकरण है वो हम रामनवमी के दिन के लिए रख रहे हैं। उसमें भगवान का जन्म कैसे होता है और भगवान चारों का नामकरण, गुरुदेव आते हैं। अभी हम लीला के बारे में आगे बढ़ जाते हैं आज और कल। लीला में ऐसे हैं कि लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न हैं वो सुमित्रा के दो पुत्र हैं। रो रहे, दोनों ही रो रहे। अब मुश्किल है, सुमित्रा कहा कि दीदी, दीदी मैंने कौशल्या कि मेरे बच्चे रो क्यों रहे हैं, ना मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो चलो गुरु के पास जाते हैं। तो गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव ने कहा एक काम करो, ये जो लक्ष्मण को है ना वो राम के चरण में लेटा हो चरण के पास, और जो शत्रुघ्न है वो भरत के चरण में लेटा हो। तो जब दोनों को लेटा दिया तो देखा कि रोना बंद। तो गुरुदेव को पूछा ये क्या मामला है। ना बात यह है, दशरथ ने जब चरो दिया था तो कौशल्या और कैकेयी को चार चार भाग 1/4 वाला दिया था और कहा कि ये दोनों तुम बांट करके सुमित्रा को दे देना। तो जब चरो दिया गया था तो उसके प्रति फल के रूप में लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो आए हैं वो भगवान राम और भरत के प्रति ही समर्पित रहेंगे और जीवन भर रहे। भगवान राम जब वनवास गए तब लक्ष्मण भी गए, भरत जब नंदीग्राम में तपस्या करने लगे तो शत्रुघ्न भी रहने लगे। तो इस प्रकार के चारों के जो शोभा है वो वर्णन है। श्याम विशेष करके राम और लक्ष्मण का ही वर्णन है, क्योंकि बचपन से ही भरत दूर रहते थे भगवान राम से और राम लक्ष्मण साथ रहते थे। तो श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखई छवि जन मित्र न तोड़ी, चारि हो सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर रासा, कबहू उछंग कबहू बर पलना, कभी गोद में लेते हैं कभी पालने में रखते हैं। इस प्रकार के चारों को कोई ना कोई 3 रानियां आते हैं। भगवान दशरथ आते हैं तो राम को लेते हैं, कौशल्या तो लेते हैं लक्ष्मण, और कैकेयी लेते हैं भरत को, और सुमित्रा जो बचा हुआ क्या बचा इस प्रकार के खेल होता है। जैसे जो बच्चे होते हैं ना बहुत प्यारे होते हैं पकड़ने में, तो इस प्रकार के कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। कल हम निर्गुण निराकार परमात्मा के बारे में वर्णन कर रहे थे, वो निर्गुण निराकार अवतार कैसे लेते हैं। कहते हैं वो सर्वव्यापक निरंजन व्यापक
निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो जो प्रेम भगति बसत कौशल्या के गोद। वो भक्ति के प्रेम के कारण कौशल्या के, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने तपस्या किया था, यही मांगा था। अब ये बाल लीला कैसे, उनका सुंदर रूप कैसे वर्णन करते हैं, हम पढ़ेंगे, आप सुनते रहे। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंजबारी अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जानूति, देख कुल सर्व जप अंकुर ससोय, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन भोय, कटि किंकिनि उदर त्रय रेखा, नाथि कबीर जान जहि देखा, भूषण शोभा शोभा दो दो दशन आशा तिलकन पारे। वर्णन करते हैं वो कैसे हैं, भगवान राम के जो शरीर है शोभा है नील कमल जैसा और गंभीर मेघ जैसा है। मेघ ज्यादातर गंभीर के लिए वर्णन है, और वो जब आवाज करती है मैं गर्जना होती है तो गंभीर, ऐसे ही भगवान, भगवान राम और कृष्ण में यही फर्क है, दोनों ही नील श्याम, मगर ये गंभीर हैं और वो हसमुख हंसते हैं, ये सीधे हैं वो टेढ़े हैं, ये टेढ़े नहीं हो सकते हैं और वो सीधे नहीं हो सकते, ऐसे तो समान मेघ का समान श्याम शरीर। करोड़ कामदेव भी शोभा है, कामदेव जितना सुंदर है वैसे ही है करोड़ों कामदेव। और अरुण चरण पंकज नख ज्योति, लाल लाल चरण कमल के नख है ज्योति, ऐसे मालूम होता है कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो। भगवान के जो चरण है ना वो लाल है, ट्रांसपेरेंट। भगवान कृष्ण का भी चरण देख करके तो जरा सबर सोच लिया कि कोई मृग है कोई हिरण है, उसकी आंखें जैसे लग रही थी। और भगवान जो बैठे हुए थे, कृष्ण के बारे में वो बैठे हुए थे, वो ऐसे जो झूला है वो उनका पैर हिल रहा था, तो लग रहा था जैसे हिरन घूम रहा है और हिरन के जो आंखें हैं वो घूम रही है। उसने बिना सोचे के लगा दिया, क्योंकि पूर्व जन्म में यही उसने इच्छा की थी। वो कौन था ना, अंगद था। जब बाली को भगवान ने तार दिया तो अंगद के मन में ये भावना आई, मेरा बस चले तो मैं इनको तीर मारता। भगवान राम थोड़ा सा हंसते हो हंसे होंगे, कुछ बोले नहीं, बेटा तुम्हारे मन में ये भावना है ठीक है, नेक्स्ट जन्म में जो मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तुम जरा सा और बन लेना और तीर मारना, वही हुआ। मगर अंगद एक ही बार वृत्ति आ गई अंगद के अंदर सोचना, बाद में सुग्रीव हनुमान जी सबके जो भक्ति है देख करके, लक्ष्मण ये भी भक्त बन गया, उनके अंदर जो एक छोटी सी वृत्ति थी भावना थी कि मैं मारूं वो भूल गया। जीव वही होता है ना, भूल जाता है, गेट्स 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 फॉरगेट्स, आपने ही बताया। और भगवान क्या करते हैं, गिव्स 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 फॉरगिव्स, वो भगवान का काम ठीक है, तो जीव भूल जाता है।
भूल गए, अंगद भूल गए, मगर वो जरा सबक बना। ऐसे यहां पर भगवान राम के जो नख है इतना सुंदर है, रूपक देखो, सुंदर शरीर है श्यामल वर्ण, और वो जो नख है वो लालिमा है, और कैसे लगता है जैसे कमल पत्ते के ऊपर कोई मुक्ता, मुक्ता समझ रहे हो, ऐसे ही लगता है इतना सुंदर। कमल दलनी बैठे जन मोती, मोती जैसा लगता है, मोती पहनते हो तो वैसे ऐसे लगता है, कितना सुंदर। नीली मोती नहीं, सफेद मोती, तो ऐसे लगता है, ठीक है। अब कितना वर्णन करते हैं, रेख पुलिस ध्वज अंकुश सुवन, देखो भगवान का जो रूप है ना कितना सुंदर है। अच्छा, ये रूप का चिंतन किया जाता है, रूप का ध्यान किया जाता है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान का गुण है, भगवान की लीला है, और भगवान के धाम, नाम रूप गुण लीला और धाम, ऐसे भगवान के पांच चीजों से लेकर के चिंतन किया जाता है। तो कहते हैं कि हाँ, रेख चरण तल में वज्र, जो चरण है ना पैर, वो तल में वज्र है, ध्वजा और अंकुश शोभित है। तभी तो जो भगवान राम बड़े हुए और जब जंगल में गए, कोई तो पादत्राण तो नहीं है, पादत्राण को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहेंगे, हाँ जूते, पाद को जो रक्षा करता है, तो पाद को कौन रक्षा करता है, और शिरत्राण छतरी, सिर को जो रक्षा करता है ना, तो पादत्राण माने जोता, कढ़ाऊ, कढ़ाऊ तो नहीं पहने, भरत जी को दे दिया। अब जब भगवान राम ही नहीं पहन रहे तो लक्ष्मण भी नहीं पहन रहे, माता सीता भी नहीं पहन रहे, इसलिए माता सीता जब चलती है कोमल शरीर तो है ही, तो उनके पैर में जब लग जाता है तब भगवान खुद पैर उठा करके निकालते। तभी तो ऋषियों ने देखा और कहा कि कितना भाग्य है, हम भी ऐसे बने। तो भगवान हंस करके फिर क्या होगा, तथास्तु, नेक्स्ट जन्म तो वो लोग गोपी बन करके आए। तो ऐसे भगवान उनकी तो जब रास्ते में जाते थे ना, तो जंगल की जो भिल्ली है, जो भील है, वो लोग सोचते थे कि ये कैसे विरोधाभास है ना, क्या ना, जिसके चरण में ब्रज वज्र ध्वजा और क्या था अंकुश रहता है वो राजा बनता है, और ये तो जंगल में घूम रहे, ये ब्रह्मा जो विधाता के जो बनाया ना वो गलत। ये कहते नहीं 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 तुमको पता नहीं है ना, क्या ना, इतना सुंदर बन गया ये ब्रह्मा ने नहीं बनाया, ये परमात्मा को बनाया, इतना सुंदर है, ब्रह्मा को जलन, हाँ तो इसलिए जंगल भेज दिया। तो वो कितना सुंदर भगवान को लेकर के हिल्ली लोग अलग अलग चिंतन करते, और कहते नहीं बाबड़ी तुम जानते नहीं हो ना, क्या हम लोगों के अंदर देखने की इच्छा थी ना, इसीलिए वो यहाँ आए हैं, यही सोचो ना। और कहते वो कैसे कैसे हैं, इनको वनवास भेज दिए, तो कहते हैं उनके कारण हमको फायदा हुआ ना, इसलिए कैके को गाली मत दो, तो कैके को प्रशंसा करो, उनके कारण हम दर्शन कर पाए, ऐसे भगवान के बारे में दर्शन बोलते थे। वही अभी छोटे छोटे पैर है भगवान का, अभी वर्णन जो करते हैं वो 2-3 साल का ही है। तो अच्छा देखा जाए तो भगवान कृष्ण के जितने बाल लीला है वो राम जी के बाल लीला इतना है नहीं, भगवान राम थोड़े से एक दो बाल लीला वर्णन है, मगर गीतावली में तुलसीदास जी ने कुछ भी नहीं, पत्रिका गीतावली अलग अलग ग्रंथ में बाल लीला के बारे में वर्णन है। अब हम रामचरितमानस में जो बाल लीला है वो भी देखेंगे, फिर समय आएगा तो गीता का गीता का भी देखें। कहते हैं सुनो, क्या
और जो नूपुर पैंजनी भी पहना है, छोटे छोटे बच्चे को ना पहना जाता है, लड़की भी हो लड़का भी हो, क्योंकि उसका कारण यह है वो जहां जाएंगे पता चल जाएगा, तो माँ बिजी रहती है तो बच्चे लोग चलते हैं, और बच्चे कोई छोटा बच्चा वो खाली नहीं रहता है, वो घूमता रहता है, तो पता चलता है आवाज आती है तो सुंदर नूपुर ध्वनि सुनी मुनि मन मोह। उस नूपुर के ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है, बाकी भक्तों की क्या कहना। फिर कटी किनकिनी उदर त्रय रेखा, कमर में करधनी और पेट पर तीन रेखाएं मानी जाती है, त्रिबली तीन रेखाएं पेट में, भगवान कृष्ण को भी था। और नाभि की गंभीरता को तो जानते ही उन्होंने जो देखा है, भुज विशाल, भगवान का भुज छोटे हैं अभी भगवान है, मगर फिर भी भुज विशाल। विशाल क्यों किया गया है कि भगवान आलिंगन कर सके इसको, इसलिए भगवान राम का भुज विशाल है, अर्जुन का भी था भुज विशाल वर्णन है। कहते महात्मा गांधी का भी थोड़ा सा हाथ बड़ा था, कंपेयर जितना होना चाहिए उससे बड़ा था, कृष्ण का तो था ही, राम जी का थे, जगन्नाथ का नाम ही है महाबाहु, जगन्नाथ भगवान का हाथ नहीं है और फिर भी वो महाबाहु कहते हैं, अर्थात ये वाला हाथ नहीं है, बड़ा हाथ है उनका, महाबाहु है, महाबाहु ने बाहु बड़ा है। हाँ भुज विशाल भूषण जुत भूरी, बहुत ही सुंदर है, भूषण से आभूषण है, अर्नामेंट है लगाया वो हाथ में जो लगाते हैं, तो ऐसे ही अलग अलग। हीर हरि नख अति शोभा रोली, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा, जो हृदय है वो हृदय ऐसे बाघ के नख जैसा है, और छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा है, छाती पर रत्न की शोभा है। और भगवान कभी कहीं भी आते हैं ना, कृष्ण बन करके आते हैं या राम बन के आते हैं, तो जिसको जो सम्मान देना है वो भूलते नहीं है, क्या छाती में अगर देखा जाए तो एक पेड़ का चिन्ह दिखाई देता है, इम्प्रिंट। कभी कभी कोई किताब में आप देखोगे तो आप गौर से देखो पीछे कोई फोटो होगा, है ना, मोबाइल में भी जब हम लोग स्क्रीन शॉट में प्रोफाइल में रखते हैं वो पीछे होगा, कपड़े में भी देखो कपड़े हो वो से देखोगे राम 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 लिखा होगा। तो भगवान के हृदय में किसी का पैर चिन्ह दिखाई दिया, तुलसीदास जी देख सकते हैं, कहते हैं अरे ये है किसका पैर चिन्ह है, किसका पैर चिन्ह है। अच्छा कहानी सुनो फिर तो मेरे लिए बहुत मजा है कहानी पढ़ने के लिए। क्या हुआ, सब ऋषियों ने डिस्कशन किया, मीटिंग किया, देखो जो चिंतन होता है वो भगवान के नाम पर होता है, तो टॉपिक ले लिया विष्णु ब्रह्मा और शंकर, ये भागवत में तीनों में से बड़ा कौन है, तो कोई बोलने लगे चलो एक को भेजते हैं परीक्षा करने के लिए, तो भृगु जो ब्रह्मा के ही पुत्र है उनको भेजा गया, वशिष्ठ बड़े हैं वो ये सब में नहीं जाते हैं, बड़े कंट्रोल, वशिष्ठ का अर्थ कंट्रोल है, तो भृगु वो तेज वाले, दुर्वासा गुस्सा वाले, उनको देखने नहीं, इनको क्वेश्चन पेपर नहीं देते, कुछ गड़बड़ कर देंगे, क्वेश्चन पेपर इनको देते हैं, भृगु को देते हैं। तो भृगु पहले ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा के पास जब गए तो बोल गए सठिया हो गया, दाढ़ी बढ़ गया, ऐसे करके थोड़ा सा अपमान किया, ओखा ओखा शब्द बोला, समझ में आया, ओखा का ऑपोजिट अच्छा वाला क्या होगा, हाँ चोखा, चोखा 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 हाँ क्या बताए, सोखा सो सोखा, अच्छा ओखा उल्टा होता है सोखा, स सो जोड़ देने से हो जाता है, स माने परमात्मा है ना, तो ओखा शब्द उसने को, ब्रह्मा बहुत बिगड़ गए, जब बिगड़ गए कहा कि पिताजी क्वेश्चन
परीक्षा में फेल। हाँ, फिर आए शिव जी के पास। शिव जी सत्संग कर रहे थे और माँ पार्वती गोद में भी बैठे, बाकी ऋषि लोग भी सुन रहे थे। आए अगर अपने अपने को बैरागी, श्मशान बैरागी बोल रहे हैं, ओ भाई है ये, शिव जी बड़े हैं और भृगु छोटे हैं, बोल रहे हो मगर पत्नी को साथ में रख रहे हो और ज्ञान दे रहे हो। गुस्से में आ गए, पूरा त्रिशूल मारने लगे। भृगु हंसने लगे और कहा कि क्वेश्चन पेपर था, फेल। दोनों को फेल कर दिया। अब इधर आ, भगवान विष्णु सोए हुए हैं, बड़ा सुंदर आदित्य विष्णु का फोटो है, ऐसे हाथ भी हाथ है, और माँ लक्ष्मी सेवा कर रही है। आए नाओ नताओ आकर के लात मार दिया छाती में, तो छाती में लात मार दिया। अब लगा कि अभी क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिया, इनको तो मैंने टच भी नहीं किया, उनको पेपर बोलने लगा और इनको तो मैंने टच किया। तुम बात कर रहे हो, सीट हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। स्कूल में पता नहीं तुम कैसे क्लास में बैठे हो, अच्छा माँ से भी बात कर रहा है मैंने और उससे भी बात कर रहा है चुपचाप से। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत उठ गए और भृगु के चरण को पकड़ने लगे, कहा कि ये चरण बहुत आपका कोमल है, मेरा तो छाती बहुत पत्थर है और आपको लगा तो नहीं है। तब भृगु के आंखों से आंसू आ गए, प्रभु हम लोग परीक्षा करने के लिए आए थे, आपके जैसे प्रणवान कोई नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि ये जो ब्राह्मण के, जो ऋषि के, जो गुरु के पदचिन्ह है, वो मैं हमेशा के लिए रखता हूँ, श्री वत्स चिन्ह भृगु चिन्ह। इसीलिए तुलसीदास जी कहते मैंने देख लिया मेरे आराध्य में, वो उनके छाती में वो वाला है पदचिन्ह है, इतना सुंदर जी है ना। क्या कि विप्र चरण देखत मन लोभा, विप्र चरण, विप्र के चरण को देखते ही मन लोभित हो जाता है। कम्बु कंठ अति चिबुक सुहाई, कंठ शंख के समान है, तीन रेखाओं के सुशोभित। जो कंठ भी बहुत सुंदर है और कंठ बहुत बड़ा है, गर्दन भी बड़ा है, ठोड़ी बहुत सुंदर है, ठोड़ी मुख पर असंख्य कामदेव की छटा है, दो तो सुंदर दंतुलिया है, दंतुलिया लाल लाल होठ है बिना लिपस्टिक वाला। अभी लाल होठ के लिए लिपस्टिक देंगे तभी तो लाल होता है ना, मगर भगवान के लिपस्टिक जरूरत नहीं है। आजकल ये चाइना से जो लिपस्टिक आता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है, रिएक्शन हो जाता है, और वो जो लगाते हो हाथ में क्या बोलते हैं, हाँ बोलो ना, मेहंदी जो लगाते हो, शादी में लगाते हो, वो सब रिएक्शन होता है, फूल जाता है, तो वायरल हो रहा है, इसलिए ध्यान से करो। लिपस्टिक भी थोड़ा सा जो देख के ब्रांड वाला जो वो लेना चाहिए। हाँ मैं तो देखा कि ले लिया, सस्ता हो रहा है, मिल रहा है, सस्ते में रोएंगे, सस्ता रोए बार बार, महरग रोए, इसलिए वो ध्यान रखना। भगवान की कोई जरूरत नहीं, कृष्ण का भी, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, जरूरत नहीं, हमारा सुख जाता है इसलिए लगाते हैं। तो ये आभूषण है स्त्री के लिए, भगवान का अपने आप में इसलिए आप स्वाभाविक आभूषण है। लालिमा, नासिका और तिलक का सौंदर्य क्या बताएं, नाक और तिलक है, सुंदर कान है, बहुत ही सुंदर गाल है। तो भाई ये मौका है ना अभी बताने का, कभी कभी रामचरितमानस 9 दिन का जो होता है वो मौका नहीं मिलता है इतना बताने के लिए। फिर उसके बाद शरीर पर पीली झुंगली पहनाई गई, घुटने और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता था। भगवान घुटने पर चलते थे, ठुमक ठुमक चालत चलत बाजत पैजनिया, बहुत ही अच्छा लगता था। तो इस प्रकार के देखे
एक दिन क्या हुआ, अभी डायरेक्ट हम लीला में जाते हैं। और भी वर्णन है भगवान के, माया को भौं के इशारे पर चलाते हैं, उनके जो भौं है ना रुकुटी है, वो सारा जगत ही चलता है। ऐसे प्रभु को छोड़ करके क्यों भजन नहीं करता है मनुष्य, तुलसीदास जी बीच में दे देते हैं। तो बाल क्रीड़ा उनके ऐसे हैं, प्रभु की ना शिशु विनोद। एक दिन भगवान ने लीला किया, क्या लीला किया, भगवान पालने में सोए हुए थे और कौशल्या माता घर में आकर के अपने जो पूजा रूम है वो पूजा करते थे, खीर बनाई और खीर बना करके भगवान विष्णु को लगाएंगे। उसकी बड़ा सुंदर कथा है, तुलसीदास जी लिखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। फिर कभी कभी भगवान कृष्ण कौशल्या माँ ने राम को जो बुलाते हैं, कौशल्या जब भूल न जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आए। माता कौशल्या जब राम लखन जब बुलाते हैं तो भगवान ठुमुक ठुमुक करके भाग चल रहे हैं। जिनका वेद नेति नेति कहकर कहते हैं, शिवजी ने भी जिसका अंत नहीं पाया, ऐसे राम को भगवान को पकड़ने के लिए कौशल्या जाती है। वहां पर भी ऐसे यशोदा माता पकड़ने के लिए कान्हा को चला जाता है, वो कान्हा घूमते थे, शरीर में धूल लपेट हुए हैं, एंड जब दौड़ते थे भगवान दशरथ आ जाता है। जब से भगवान राम आ गए हैं, दशरथ राजशासन केवल मंत्री के ऊपर छोड़ दिया, तुम चलाओ, और सचमुच भगवान के कारण सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए दशरथ आ जाते थे और राम जी को पकड़ लेते। तो इस प्रकार के वर्णन है। एक दिन जो मैं बताता हूं वर्णन है, पढ़ना। एक बार जननी अनवाय, हरि सिंगार पलंग, तो तीन तल न करे एक तल पर, श्लोक पर तो कंप्लीट हो जाएगी। एक बार जननी अनवाय, करि सिंगार पलंग, ओ जाहे तो की ना स्नान, करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गए जा पंक बनावा, चली आई ओ जन करत देख सुत जाय, बे जननी शिशु परिवर बीता, मुनि सोता बहुरे आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न धई, इहां उहां दुई बालक देखा, अति ब्रह्म मोर ज्ञान विशेषा, देखे राम जननी अकुलानि, प्रभु हसि दीन मधुर मुस्कान, देख राम माथा हे निज अद्भुत रूप अखंड, सोम रोम प्रतिलांगे कोटि कोटि ब्रह्मांड सिया, बलरामचंद्र के जय पवन सुत हनुमान के जय, गो भाई सब संगन के जय, मां प्रति महादेव की। एक बार जननी अन्नवाय, अन्नवाय मैंने स्नान करना, स्नान करके माँ कौशल्या करी श्रृंगार पलना पोढ़ाय, श्रृंगार किया और पालने पर पोढ़ा दिया, देखा कि राम पालने पर सोए हुए। फिर अपने कुल के जो इष्ट देव है, उनका कुल का इष्ट देव है भगवान विष्णु, और
जो राजवंश के कुल आते हैं वो सूर्य सूर्य वंश से आए हैं। पूजा के दृष्टि से कुलिष्ट है भगवान विष्णु, और राज क्षत्रिय के परंपरा से वो है सूर्य। करी पूजा नैवेद्य, पूजा है तो कीना स्नाना, फिर पूजा के लिए स्नान स्नान सब कर लिया, फिर उसके बाद भगवान राम को भी स्नान करा के श्रृंगार करके सुला दिया। छोटे से हैं, 3 3 2 3 साल का ही, 3 साल की लीला। तो करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, ये शब्द है बड़ा सरल है, आपको समझ भी आता है। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, पूजा करके नैवेद्य चढ़ा दिया। आप गई जहाँ पाक बनावा, फिर रसोई के घर पाक बनावा, जहाँ रसोई घर है वहां गई। तो बहुरी मात तो तहवा बलि आई, फिर पूजा के स्थान पर लौट आई। वहां आने पर देखा कि जो खीर भगवान विष्णु को चढ़ाया था वो राम वहां से आकर के बैठ के खा रहे हैं। उसके अलावा भोजन करते देखा, मां डर गई, दौड़ करके वहां जहां पर सोया हुआ था राम, तो वहां जाके देखा तो वहां भी सोया हुआ है। फिर इधर आए तो यहाँ देखे खा रहे हैं, तो मुश्किल है। तो देखा कि वहां सोए हुआ है, फिर यहाँ खा रहे हैं। यहाँ और वहां, इथे और उथे, ये वहां तो मेरे लिए सुविधा हो गया। तो यहाँ माने जहां राम भगवान सोए हुए हैं, यहाँ और वहां माने जहां पूजा हो रही है। अगर पूजा के साम रूम से बोल रहे हैं तो यहाँ, और जहां सोए हुए हैं वहां वहां, इथे उथे, तो ये वाले यहाँ यहाँ ये वहां। तुलसीदास जी बहुत जगह पर दे रहे, ये उनके पेट शब्द है, जैसे मेरा शब्द इथे इथे बन गया, तो इसी प्रकार उनका पेट शब्द। जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा है ना, तो भगवान राम के लिए वो कहते थे इहां, और रावण के लिए क्या कहते थे? जब हनुमान जी सुंदरकांड और भगवान राम है, तो हनुमान जी के लिए इहां कहते थे और भगवान के राम के लिए उहां। तो प्रश्न का, तुलसीदास जी आप भगवान राम को वहां कर दिया, नहीं मैं भक्त के साथ हूं ना, तो भक्त जब वो जाएगा भगवान के साथ मैं भी चला जाऊंगा। भरत के लिए वर्णन करते हैं तो यहाँ, तो यहाँ वहां दुई बालक देखा मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा, सोचे कि मैंने दो बालक को देखा है, उधर भी देखा है और इधर भी देखा, एक सोया हुआ है, खाया हुआ खा रहा है, तो मेरे बुद्धि की भ्रम तो नहीं है। फिर वर्णन डोंगरे जी महाराज रामचरित के बड़े प्रसिद्ध है, ये कभी को वो देखना, अभी जब देखेंगे वो बोलना चाहते थे कि मैं सुमित्रा को बताऊं और कौशल्या के बताऊं, मगर वो भूल जाते थे और सोचते थे ये मेरा भ्रम है। फिर एक दिन दशरथ जी को बताया, फिर दशरथ जी ने कहा कि तुम्हारा जो प्रेम है ना राम के प्रति, बस उसके कारण हो रहा है, और जो हमारा राम है वो विष्णु जैसा लग रहा है, वो भूल गए सब, क्यों मनु माने मांगा था कि मैं ऐसे प्यार को, हमारे जो राम है विष्णु के जो कलर है, विष्णु के जो रंग है वही है, इसीलिए तुमको जो पूजा करते हो तुमको लग रहा है विष्णु को पूजा करते समय वो राम। इन्होंने समझा दिया, वो समझ गए, और अभी देखना भगवान की लीला भी कंटिन्यू है। और क्या है, देखी राम जननी अकुलानी, जब भगवान ने देखा कि राम विकल हो रही, माने माँ अकुलानी हो रही, विकल हो रही है, घबराई जा रही है, भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा वहां जो सोए थे उठ गए और हंसने लगे। जब भगवान हंसने लगे तब देख रावा, भगवान के मुख में क्या नहीं देखा, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये मुख में ही और रोम रोम में ही सब कुछ देखा, क्या देखा है पढ़ते हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन
बहु बेरे सरित तुम्हारी ज्ञान स्वभाव सोई देखा जो सुनाओ देखी माया सब बिगाड़ी अति सवेत जो बेकरी देखा जीवन चावही जाई देखी भगत जो छोड़ मुख बचन नयन मोदी चरणी न सिरो नाम विषमय देखे महतारी पाए बाबूरी शिशु करारी हस्तुति करी न जाई भयभावना जगत पिता ने सुत करी जाना हरिजननी बहु विधि समुझाई यह जनि कतहु कहसि सुनु माई बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी अवजनि तबहु व्यापे प्रभु मोहि माया पूरी सिया बलरामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय महापति महादेव की जय गुरु भाई सब संत अगणित बहुत क्या सूर्य चंद्रमा शिवजी उनके भगवान के मुख के अंदर शिवजी भी देख रहे हैं, ब्रह्मा भी देख रहे हैं, अखंड ब्रह्मांड पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सब कुछ देखा। तो वर्णन है कि भगवान राम एक मनुष्य बनकर के आए, लीला किया मर्यादा, तो उन्होंने जो भगवत्ता है जो ऐश्वर्य है वो नहीं दिखाया। जैसे भगवान कृष्ण के हर लीला में ऐश्वर्य, क्योंकि साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य कोई पूतना जैसे राक्षस को मार नहीं सकता, काली के ऊपर नाच नहीं सकता, गोवर्धन के अपने अंगुली में उठा नहीं सकता। हर कोई लीला से लगता है कि ये कोई ऐश्वर्य है, भगवान राम के नहीं, मगर कभी कभी उन्होंने दिखाया ये एक स्वरूप। फिर उसके बाद भगवान राम जब मारते हैं इसको, रावण ने उसके पहले जो दोनों को मार, बाली बाली नहीं और उसके ताड़का को, और नहीं उसके बाद दो दो राक्षस था ना, हाँ खरदूषण कुमार, उस समय भगवान ने वो 14,000 सैनिक लेके आ रहे, भगवान भी बन गए 14, इसमें थोड़ा दिखाया। फिर रावण के समय भी एक दो दिखाया, बाद में लास्ट में अयोध्या के वन ग्रामवासी सब लोग इच्छा करते थे कि भगवान भगवान से हम मिले, भगवान को हम आलिंगन करें। भगवान ने सोचा कि अब हमको दिखाना है, सब लोग एक साथ अनुभव कर रहा है, जो वृद्ध लोग हैं वो आलिंगन करना चाहते हैं, भगवान उनको प्रणाम करते हैं, जो माता लोग हैं वो उनको मथा जो मथा है वो चूमते हैं, और जो बड़े हैं वो भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान उनको एक साथ सब कुछ। भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया, बहुत कम समय में माने लीला है घटना है जो दिखाया। भगवान कृष्ण का तो बहुत है, बहुत कम समय में ही दिखाया इनका, बहुत कम समय कम घटना है जो लीलाएं दिखी, उन्होंने सब चीज दिखाया। क्या दिखाया वो देखो, देखी माया, ये भगवान की माया है, भयभीत हो गई, पूर्व जन्म में मांगी थी, याद है ना कल हमने बताया था। देखो तो कल से कथा को जोड़ दो, वही शत्रुपा है, उन्होंने कहा कि नहीं राजा ने जो मांगा है वो तो मेरे लिए मिल गया, मगर जो राजा ने कहा है कि मैं आपको भूल जाऊं, और आप उन्होंने कहा कि मैं भगवान के रूप में ना देखूं,
मैं पुत्र के रूप में देखूं और पुत्र जैसा इतने प्यार करूं, जो जिसके कारण मेरे शरीर भी विरह से मैं प्राण दान करूं, वो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए इतने विरह में मैं कौशल्या नहीं रहती थी। अब रामायण में भी देखना, उसमें उनका ज्ञान भी झलकता था और अपना शरीर को उन्होंने त्याग नहीं किया, प्राण नहीं किया, तो उनको पता है। इसलिए देखना इसी घटना में भी हाथ जोड़ती है और कहते प्रभु मैंने सब कुछ देखा, आपकी भक्ति आपकी माया, तन पुलकित मुख वचन आवा। कौशल्या के तन पुलकित हो गई है, वचन नहीं आता है और आंखें मूंद कर रामचंद्र के चरण में सिर निभाया। वो छोटे से रामचंद्र है और देखा सब कुछ, ब्रह्मांड प्रणाम, माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु श्री राम, जानबूझ के तुलसीदास जी कहते हैं वहां पर दिखाया, उसके पहले यहां दिखा दे, फिर छोटे बन गए। भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाया था अर्जुन, अर्जुन भी भयभीत हो गए, फिर भगवान ने सौम्य रूप दिखाया, फिर अर्जुन रूप भगवान कृष्ण रूप दिखाया, ऐसे भगवान बांध हो गए। कहते हैं माता स्तुति नहीं कर पा रही है और डर गई, मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र के रूप में जाना हुआ अनुभव किया, और हे माता सुनो ये बात, कहीं पर किसको मत बोलना, पिताजी को भी मत बोलना कि आपने ये देखा था। तो माँ और कौशल्या के बीच में ये क्या हो गई, माने कौशल्या माँ और पुत्र के बीच में ये बातें हो गई। उन्होंने याद दिलाया, माँ याद करो आप पूर्व जन्म में आप ही शत्रुपा थी, आप जब तपस्या किया मुझे मांगा था, जब मनु आपके पतिदेव जो अभी दशरथ बनकर के आए हैं उन्होंने मुझे ऐसे प्यार करेंगे और मुझे भगवान के रूप में नहीं देखेंगे, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में पुत्रों को प्यार जैसे किया जाता है वैसे करेंगे, मगर आपने कहा था नहीं मुझे ज्ञान भी चाहिए, इसलिए आपको मैंने ज्ञान दे दिया। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अवजने कबहुँ व्यापई प्रभु मोहि माया तोरी। ठीक है, इस प्रकार के भगवान के बाल लीलाएं चलता गया, भगवान सेवकों के साथ आनंद मनाते गए, चूड़ा कर्म संस्कार भी हो गया भगवान के। वशिष्ठ जी आए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया और बड़े राजकुमार हो गए। अब दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा। दशरथ जी बुलाते हैं, राम आओ भोजन करोगे, तभी आते नहीं थे, बच्चों के साथ खेलते हैं, चारों एक साथ खेलते थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कौशल्या जब बोल न जाई, कौशल्या जब बोलते थे ठुमुक ठुमुक प्रभु चलती पराई, इस प्रकार धूसर होकर के आते थे। ऐसे भगवान के बाल चरित अति सरल सुहाए। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का जो बाल चरित है उसमें काकभूषण भी आते हैं, उत्तराखंड में वर्णन है, काकभूषण से कौवा बन करके आते हैं, भगवान रोटी लेके जाते हैं छोटे, देते हैं तो खूंप लेते तो रोते हैं भगवान। तो जो काकभूषण भी उनके मन में आया तो भगवान है ये, कैसे छोटे बच्चे जैसे रोते हैं, मैं थोड़ा सा रोटी ले लिया झांप लिया तो वो रो रहे हैं। तो डाउट जब हो गया, भगवान राम हंसने लगे, जब भगवान राम हंसने लगे माता जी को तो दिखाया था, इसको भी दिखाया काकभूषण, काकभूषण भी तो कौवा माँ भगवान के मुंह में घुस गए, और क्या नहीं देखा, 14 ब्रह्मांड आदि सब घूमते गए उसके बाद वापस आए। तो ऐसे भगवान ने लीला किया, बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, सब लोगों ने यही बाल चरित्र सब लोगों ने गाया है, और जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ है ना, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया। कहते हैं जिसका मन परमात्मा के भगवान राम या कृष्ण के बाल लीला में मन नहीं लगता है वो मनुष्य लायक ही नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आनंद है। निर्गुण ब्रह्म के चिंतन तो ठीक है, और जो मन लुभाने के लिए ये बाल लीला है,
भये कुमार जब ये सब भ्राता, जब कुमार अवस्था आ गए, कुमार अवस्था में 6 साल हो गए, औगंड अवस्था 6 साल आ गए, गुरु पिता माता उनका यज्ञोपवीत कर दिया, तो चारों का यज्ञोपवीत हो। यही तो भगवान राम जी को जब राज्याभिषेक दिया तब वो दुखी हुए, बोला क्यों ना सिर्फ मुझे क्यों दे रहे हो, जन्म हुए हम चारों एक साथ, खाना खाते थे एक साथ, खेलते थे एक साथ, स्नान भी करते थे एक साथ, पढ़ाई भी एक साथ किया, चूड़ा कर्म संस्कार एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हुआ, जहां यात्रा भी जाते थे चारों, वर्णन है यहाँ पर कि भगवान जब पढ़ाई करने के बाद ना चारों लोग सारा भारतवर्ष घूमते थे, तब उनके मन में स्ट्रेस हुआ, देखा जैसे भगवान बुद्ध देव का वैराग्य हो, इनके अंदर वैराग्य, तब विश्वामित्र वशिष्ठ आए और योग वशिष्ठ प्रवचन दिया भगवान। तो अभी कहते हैं भोजन भी साथ करते थे, पढ़ाई भी साथ करते थे, विद्या अध्ययन भी साथ किया, धनुर्विद्या भी साथ सीखा, और तो क्या शादी भी साथ में हुआ राम लक्ष्मण भरत, मगर मुझे क्यों दे रहे हैं, चारों को राजा क्यों नहीं बना रहे। दशरथ के ऐसे नहीं होता है बेटा, बड़े बेटे को ही राजा बनना है, तो बोले बस मुझे ये सब ठीक है और सूर्यवंश के ये परंपरा मुझे पसंद है, ये भगवान राम के। तो भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता, माता उनको यज्ञोपवीत किया, गुरु गृह गए पढ़न रघुराय, भगवान पढ़ने के लिए वहां गए, अल्प काल विद्या सबाई, वहां कृष्ण के लिए भी है यहाँ पर भी है। अब ये अल्प काल विद्या भगवान का तो है, गीतावली में क्या कर रहे हैं, एक सुंदर गीत उसको हम देखेंगे, क्या देखेंगे ये मैं रामलीला के छोटे बच्चे के, भगवान शंकर आ रहे हैं ज्योतिषी बन करके, ठीक है उसको बड़ा सुंदर प्रसंग है उसको देखते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के लिए भी ज्योतिष बन करके आए हैं, तुलसीदास जी उसको लिख रहे हैं, पढ़ते हैं, ये थोड़ा दोहा अलग है। अवध आजो आगमी एक आयो, करतल नीरखे कहत सब गुनगर, बहुत न परिचय पायो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, संग शिशु शिष्य सुनत कौसल्या, भीतर भवन बुलायो, अवध आजो आगमी एक आयो, पाय पखारी पूज दिया सन, असन बसन पहिरायो, मेले चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ दिखायो, नख सिख बाल बिलो के बे प्रतक, पुलक नयन जल छायो, ले ले गोद कमल कर निरखत, पुर प्रमोदन मायो, जन्म प्रसंग कहो कौशिक कमि, सिय स्वयं बर गायो, राम भरत रिपुदवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो, तुलसीदास रनिवास रहस बस, भयो सब कमन भायो, सन मान्यो मही देव अशीष, सानंद सदन सिधायो, अवध आजुआगमी एक आयो, अवध आजुआगमी एक आयो। बोल सियावर रामचंद्र के, शंकर भगवान के। अब हम फिर अगेन पीछे चले जाए, इधर कथा में रामचरितमानस में पूरा गुरु ग्रह तक
कर दिया कथा। गीता बोल के एक सुंदर पद है, जब भगवान राम जन्म होने के बाद नामकरण हो गया, जन्म अवतार कारण जन्म और नामकरण हम 17 तरह के लिए रख रहे हैं, ऐसे अलग अलग है ना। वो बड़ा पीस जो मिठाई है वो बाद में देंगे, अभी हमने यहां तक कह दिया। अब गीता में इतना सुंदर है, भगवान छोटे हैं, तो यहाँ पर तुलसीदास जी गीता बलि में वर्णन कर रहे हैं क्या, अवध आज आगमय का आयो, आज अवधपुर में एक ज्योतिषी आया हुआ है, आगम बने जो ज्योतिष देखने वाले आया है, और वो हथेली देखकर सारे गुण बता देते हैं, हथेली देखते हैं और सारे गुण बताते। भगवान शंकर की इच्छा थी कि भगवान राम के जो पैर के जो चरण धूल है वो मैं सिर पर रख। अब यहां देखा फर्श है पूरा नीट एंड क्लीन है, आप जैसे होता है घर के फर्श से टाइल से नीट एंड क्लीन रहता है, तो राजप्रसाद है, दशरथ महल है। तो जब ज्योतिषी बनकर के आए भगवान शंकर जी, ज्योतिष बनकर कैसे ना, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक, एक बुढ़े युवक युवक नहीं बने, युवक होगा क्या कौशल में मना कर देंगे, नहीं, किसी युवक को हम अंदर नहीं घुसाएंगे हमारे, आप देखना बहुत घर में ऐसे नियम है, किसी के घर में कोई जा नहीं सकता, जैसे भूटा बना दिया सोदर कौशल लिया आके, ठीक है आने दीजिए। ठीक, अब दशरथ को कहा कि मैं आपके बेटे के चारों बेटे हुए हैं, मैं हिमालय से आया हूं, इतना सच बोल रहा हूँ, आपका नाम क्या, वो भी है मेरा शंकर नाम, ये भी सच है, फिर भी दशरथ नहीं जान पा रहे, ठीक है। और एक शिष्य है वो है काकभुसंडी, वो भी लिखा हुआ है यहाँ, बूढ़ बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत कम लोग हाँ जी बोल रहे शंकर नाम सुहायो उनका, संग शिशु शिष्य, साथ में एक शिष्य, सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलाए, तो दशरथ को पटाया, दशरथ जाकर के कहा माता कौशल्या को कि कोई बूढ़ा ज्योतिष आया है वो देखने के लिए ना, हथेली दे, अभी तो छोटे बच्चे हैं उनके तो रेखा नहीं हुई है, फिर कौन क्यों अंदर घुसा है, नहीं, वो आए हैं, वो हिमालय के प्रसिद्ध है, वो रेखा नहीं होने पर भी जो रेखा अंदर है वो जान लेते, जैसे मैंने बताया ना छाती है मगर तुलसीदास जी देखते हैं अंदर है पद चिन्ह, कपड़ा है वो राम राम लिखा होता है, वैसे वो जान लेते हैं, दिखा दो ना, हम फिर गोद में ही रखेंगे बच्चे, हम नीचे नहीं रखेंगे, उनकी गोद में नहीं देंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कोरोना हो जाएगा तो कोविड, इसलिए हम टच करने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। अब चारों बैठ गए, शंकर भगवान ब्राह्मण बन करके आ गए, फिर पाय पखारी पूजी दियो आसन, असन वसन पहिरायो, मगर एक ब्राह्मण है ज्योतिष है उनको पाय पखार समझ रहे हो, पैर पखार चरण धोया, पूजा किया, आसन दिया, भोजन भी कराया, उनके चारों चरणों में चारों बालकों को डालकर उनके सिर पर हाथ रखा, और भगवान शंकर के तो इच्छा है तो उन्होंने हाथ पकड़ा और हाथ में देखा, पास देखते ही रोमांच हो गए, आंखों से आंसू आ गई, भाव ऐसे हुआ, आराध्य देव का दर्शन पाया, आनंद नहीं समाया। तो कहानी भी ऐसे हैं, संत लोग कहते हैं वो काकभूषण भी बन के गए, गुरु जी आपने मुझे कहा था ना ज्योतिष शास्त्र सिखाएंगे, मुझे थ्योरी तो सिखा दिया आपने हिमालय में, प्रैक्टिकल सिखाने के लिए कह रहे थे तो मुझे भी सिखाइए, और हाथ इनका राजकुमार का चारों का हाथ भी मुझे पकड़ना है, तो बस काकभूषण को मौका मिला भगवान को। फिर काकभूषण ने मन में कहा कि भगवान जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, तुम चलोगे, मैं पौवा बन करके आऊंगा,
आपसे रोटी खाऊंगा, अभी समझ में आया। इस प्रकार की भावना है। तो ऐसे क्या बात बताएं, भगवान की ऐसे लीला है। फिर आगे की कल के जो लीला है, जो कुछ कुछ लीला है, वो भगवान राम के जो अलग अलग गुण है, शील है, संयम है, सेवा है और सौंदर्य है, वो सब कल देखेंगे। और जो श्री श्री रामचंद्र कृपाल भजवन प्रसिद्ध जो विनय पत्रिका का दोहा है, उसका अर्थ मैं कल बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग आरती करते हैं।